मैच हो रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स, और इस मैच में भाई पंजाब किंग्स ने जीत हासिल किया है और अपना प्लेऑफ का जो स्पॉट है भाई उसको अभी भी जिंदा रखा है। दूसरी तरफ केकेआर के लिए अब हो चुका है खराब मुसीबत, क्योंकि उनके नीचे मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के पास अब भाई ज़्यादा मौका आ चुका है टॉप फोर में एंट्री मारने के लिए। हालांकि कोलकाता का जो नेट रन रेट है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी आज हारने के बाद केकेआर बुरी तरीके से फंस चुका है प्ले ऑफ स्पॉट के लिए। चलिए हम लोग फटाफट इस मैच के बारे में एक बार बात कर ले। तो भाई इस मैच पे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की डिसीजन लिया पंजाब किंग्स और भाई कोलकाता को थमा दिया बैट। कोलकाता ने भाई अच्छा शुरुआत किया था, शुभमन गिल बहुत जल्द आउट हो गया था, लेकिन राहुल त्रिपाठी और उनके साथ साथ भाई वेंकटेश अय्यर दोनों ने आज जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जिसके चलते भाई कोलकाता कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल तक पहुंच गया था। फिर भी भाई 180 जब बनने को हमें दिख रहा था तब जाकर बना भाई 165, और भी रन बनना चाहिए था, लेकिन भाई जो कोलकाता का मिडिल ऑर्डर है वो फिर से कोलैप्स हुआ और उसके ही चलते भाई एक अच्छा टोटल तक नहीं पहुँच पाया केकेआर, जिसके चलते उनको इस मैच पर हार भी स्वीकार करना पड़ा अंत में जाकर। तो केकेआर के अगर बैटिंग लाइन आप देखा जाए तो यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो कि वेंकटेश अय्यर 67 रन बनाया था 49 बॉल पर, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वाइटल था इस मैच पे। लेकिन शुभमन गिल भाई सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी 34 बनाया था 26 बॉल पर। उसके बाद भाई नीतीश राणा भी भाई अंत में आकर संभाल लिया था पारी को और उन्होंने एक अच्छा टोटल तक पहुंचा दिया था। जहां पर केकेआर फंस रहा था वहां पर एक अच्छा पारी देकर भाई नीतीश राणा एक अच्छा टोटल यहां पर चेज करने को दे दिया था पंजाब किंग्स को। उसके बाद भाई मोर्गन, इसके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही भद्दा बैट्समैन है, इनको अपने बैटिंग ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। कैप्टनशिप भाई उनका अच्छा रहा है अभी तक, लेकिन इस मैच पे कहीं ना कहीं उनके डिसीजन में भाई कुछ खराबी था, साथ साथ सीएसके के मैच पर भी भाई खराबी था, जिसके चलते वो मैच उनको हारना पड़ा और इस मैच पे भी उनको हार स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए था इस मैच में, लेकिन उन्होंने नहीं किया, पांचवा बॉलर नहीं था उनके पास, जिसके चलते भाई यहाँ पर पंजाब किंग्स को जो केकेआर ने टारगेट दिया था वो टारगेट भाई यहाँ पर काफ़ी नहीं बना मेरे हिसाब से। और इसके अलावा भाई इनके प्लेइंग 11 में हमें आज सैफ हेड देखने को मिला, जो कि डेब्यू किया आज के मैच पर। कार्तिक ने 11 रन बनाया था और भाई सैफ हेड रन आउट हो गया था। सुनील नारायण भी भाई कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कार्तिक भाई स्ट्राइक में था, तो यहाँ पर चांस नहीं बना सुनील नारायण के लिए। और इसके बाद अगर मैं पंजाब किंग्स की बॉलिंग की बात करूँ तो भाई अर्शदीप ने आज कमाल कर दिया, उन्होंने 3 विकेट चटकाया था 32 रन देकर, और सबसे ज़्यादा वाइटल बॉलर था भाई उनके टीम में रवि बिश्नोई, उन्होंने जो सिचुएशन में विकेट चटकाया है भाई वो बहुत ही खास सिचुएशन है, जहाँ पर से भाई कोलकाता पूरी तरीके से फंस गया था और जो टोटल बनना चाहिए था वो टोटल यहाँ पर रवि बिश्नोई के चलते नहीं बना पाया केकेआर। और इसके बाद अगर पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो भाई ओपनिंग जो साझेदारी था इस टीम का बहुत ही शानदार था, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के बीच 70 रनों का भाई ओपनिंग पार्टनरशिप था, जो भाई 0 रन पर ही खत्म हो सकता था, क्योंकि मयंक अग्रवाल जब भाई 0 रन पर था तब मोर्गन ने एक कैच छोड़ दिया था, बाद में जाकर जब 40 रन उन्होंने बनाया तब मोर्गन ने एक कैच पकड़कर उनको आउट किया था। और बॉलिंग कर रहा था भाई वरुण चक्रवर्ती, तो वरुण चक्रवर्ती भाई फास्ट ब्रेक थ्रू दिलाया केकेआर को, उसके बाद से भाई केकेआर धीरे धीरे विकेट लेता गया, कमबैक करता गया, लेकिन भाई वो ज़्यादा असरदार नहीं था। पुरन भाई 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, पुरन आते ही भाई एक कैच छोड़ दिया था राहुल त्रिपाठी, तो बहुत सारा आज मिसफील हुआ है भाई, कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा है, इस तरह का ही चीज़ रहा है अभी तक। उसके बाद भाई मकरम ने भी 8 रन बनाया था, छोटा छोटा यहां पर टोटल दिया था सभी खिलाड़ी ने अपने योगदान दिया था, लेकिन भाई अंत में जाकर केएल राहुल ही पारी को संभाल लिया था। उसके बाद भाई शाहरुख खान को आज मौका मिला था, शाहरुख खान भाई अंत में जो शॉट लगाया था उसके ही चलते यहाँ पर जीत पाया पंजाब किंग्स। और इसके बाद अगर केकेआर की बॉलिंग को देखा जाए तो भाई केकेआर के तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिया था और उनके साथ साथ शिवम मबी को 1 विकेट मिला था, सुनील नारी ने 1 विकेट लिया और वेंकटेश अय्यर ने 1 विकेट लिया। तो भाई वेंकटेश अय्यर आज बहुत ही शानदार एफर्ट डाला था, बॉलिंग में चाहे फील्डिंग में चाहे या बैटिंग में चाहे सभी में उन्होंने काम किया, एक शानदार कैच भाई बन सकता था, उन्होंने एक अच्छा एफर्ट डाला था जो कि एक बहुत ही अच्छा कैच साबित होता अगर वो पकड़ लेता, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर भाई वो बॉल को
फेंक कर फिर से कैच पकड़ने की कोशिश किया था, उन्होंने उस चीज़ को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और भाई यहाँ पर मिसफील्ड हो गया उनसे। और भाई केएल राहुल का एक कैच था शायद 19वें ओवर में, लेकिन भाई वो कैच को नॉट आउट दे दिया गया था। बहुत ही यहाँ पर भाई एक मैं क्या कहूँ कि संदेह जानक वाला चीज़ था, यहाँ पर थोड़ा डाउट था तो डाउट भाई गया बैट्समैन के ऊपर और राहुल को आउट नहीं दिया गया था। तो देखिए भाई राहुल त्रिपाठी बहुत ही अच्छी तरीके से उस कैच को पकड़ा था, उनका उंगली भाई बॉल के नीचे था लेकिन भाई अंपायर को नज़र नहीं आया, जो ग्रास था भाई उसके चलते यहाँ पर केएल राहुल को थोड़ा एडवांटेज मिला। लेकिन भाई अंत ओवर जो था वहाँ पर फिर से वेंकटेश आयर बॉलिंग करने आया और भाई उन्होंने सेकेंड बॉल पर केएल राहुल को आउट कर दिया था। और यहाँ से लग रहा था कि भाई जो मैच हुआ था आरआर के खिलाफ उस तरीके से लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए था, यहाँ पर लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए था। तो कार्तिक त्यागी ने जो चीज़ किया है क्या वेंकटेश आयर वो कर सकता है, लेकिन भाई उन्होंने करने का जोर तोड़ कोशिश किया लेकिन मिसफील्ड के चलते भाई इस मैच पर हार स्वीकार करना पड़ा केकेआर को। जो भाई लास्ट शॉट लगाया था शाहरुख खान ने, वो शॉट राहुल त्रिपाठी के हाथ में जाकर भाई एकदम घुस गया था, लेकिन भाई राहुल त्रिपाठी उस बॉल को संभाल नहीं पाया, बॉल भाई बाउंड्री के बाहर चला गया, 6 रन मिल गया था यहाँ पर अपने मिसफील्ड के चलते। और यहाँ पर केकेआर को एक बहुत ही बड़ा भाई हार मिल चुका है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर हार मिला है। यहाँ पर से अब टॉप 4 में बना रहना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। तो भाई पॉइंट टेबल का अगर बात किया जाए तो सीएसके क्वालिफाई हो चुका ऑलरेडी, और आज केकेआर के हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का भी भाई स्थान पक्का हो चुका है टॉप 4 में प्ले ऑफ में। तो 2 टीम भाई क्वालिफाई कर चुका है, आरसीबी मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएगा। तो केकेआर के पास भाई अभी 10 पॉइंट है, पंजाब किंग्स के पास 10 पॉइंट है और मुंबई इंडियंस के पास भाई 10 पॉइंट है। लेकिन भाई मुंबई इंडियंस के पास एडवांटेज है कि भाई वो अभी एक मैच कम खेला है, तो अगर नेक्स्ट जो मैच होने है मुंबई इंडियंस के साथ जो दिल्ली कैपिटल्स का मैच होने वाला है वहां पर मुंबई इंडियंस अगर जीत हासिल कर लेता है तो भाई वो टॉप 4 में चला जाएगा। यहां पर नेट रन रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले मैचों पर अगर मुंबई इंडियंस हारता है और केकेआर जीतता है तो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए चांस बचेगा। फिर भी भाई यहाँ पर टांग अड़ा रहा है पंजाब किंग्स, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास भाई अच्छा खासा मौका है, वो अभी भी भाई 4 पॉइंट हासिल कर सकता है। तो अभी देखिए भाई केकेआर भी 4 पॉइंट हासिल कर सकता है और पंजाब किंग्स भी 4 पॉइंट हासिल कर सकता है, लेकिन मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट हासिल कर सकता है, 16 पॉइंट हासिल कर सकता है। तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुका है फिर से पॉइंट टेबल में। तीनों टीमों के पास 10 पॉइंट मौजूद है, लेकिन एक टीम के पास ज़्यादा एडवांटेज है जो कि एक मैच कम खेला है, मुंबई इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा टीम ऊपर जाने वाला है? भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आने वाले मैचों में क्या होगा। तो एक दूसरे के ऊपर अब ये तीनों टीम भाई निर्भर कर रहा है, एक हारेगा तो दूसरे के लिए फ़ायदा और एक जीतेगा तो दूसरे के लिए भाई थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज। तो आपको सिचुएशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए। तो भाई मेरे तरफ से जितना हो सके इस मैच के बारे में पॉइंट टेबल के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं।